आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द टर्म टेंथ टर्म इज 46, फाइंड द एपी। तो देखो इसने जो बोला है वही हम करते हैं। इसने क्या बोला, सम किसका सम है, फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म। तो सेम चीज लिखेंगे हम, A5 प्लस A7 दैट इज इक्वल टू कितना दिया है, 52। अब A5 को हम और कैसे लिखते हैं, A+4D A7 को कैसे लिखते हैं, A+6D इज इक्वल टू 52। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आ रहा है, A+A इज 2A + 4D + 6D इज 10D इज इक्वल टू 52। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम रिड्यूस कर देंगे इसको 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है आपका, A+5D इज इक्वल टू 26। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसने क्या बोला है, एंड द टेंथ टर्म इज 46। तो सेम चीज लिखेंगे, A10 इज इक्वल टू 46। तो A10 को कैसे लिखते हैं, A+9D A+9D इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गए, तो वी विल गो फॉर एलिमिनेशन, तो दोनों को साथ में लिखते हैं। तो A+5D इज इक्वल टू 26, सेकेंड है A+9D इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे, तो यहां पर हमको साइन चेंज करना है, तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो देखो क्या आ रहा है आपका, ए एंड माइनस ए गॉन, 5D - 9D कितना होता है, -4D इज इक्वल टू 26 - 46 इज -20, 0 0 गॉन। तो डी इज इक्वल टू 20/4 दैट इज इक्वल टू 5। तो डी हमारा 5 आ गया। अब हम ए निकालेंगे, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, तो हम यहां पर कर देते हैं। तो देखो क्या आ गया, A+9×D तो 9×5 इज 45 इज इक्वल टू 46। तो क्या हो गया, A इज इक्वल टू 46 - 45 तो A इज 1। तो अब हम एपी लिखते हैं, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द एपी। तो A इज 1, तो फर्स्ट वन से शुरू करना है, 1, A+D 1+5 इज 6। नेक्स्ट 6+5 इज 11, 11+5 इज 16। ठीक है, कॉमा 100। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।